श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला, आप सभी के सामने वापस से हाजिर हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवाणी। इस शो में बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है जिससे जीवन में आगे बढ़ें, पैसा कैसे कमाएं और तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए, जरूर से कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 31 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और नया साल 2024 का यह नया साल आपके जीवन में खुशियों का आगमन कराएं, पॉजिटिव रहें और इम्पोर्टेंटली आपके सभी सपने साकार हो। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, मंगल का गोचर आपके जीवन में आपको पैसे कमाने का मौका देगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रकार का परिवर्तन विचार कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, तो परिवर्तन निश्चित है। अगर आप ऑफिस बदलना चाह रहे हैं, नई ऑफिस में शिफ्ट होने का विचार कर रहे हैं, तो सप्ताह बेहतरीन है। नए घर में शिफ्ट होने का विचार कर रहे हैं, सप्ताह बेहतरीन है। और इम्पोर्टेंटली, नया सप्ताह, नया साल यानी नए गोल्स, नए टारगेट्स। आप जो भी प्रकार का सोच के रखा है, जो आपने टारगेट्स बनाए हैं, उसमें आपको सफलता जरूर से देखने को मिलेगी। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, शनि आपके साथ यह सप्ताह न्याय करने वाले हैं। यानी कि जो पिछले कुछ समय से आप मेहनत कर रहे थे, जो एफर्ट्स दे रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें आपको जश नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यह सप्ताह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ईश्वरीय सहायता भी आपके साथ रहेगी। इम्पोर्टेंटली, आपके गुरुओं का आशीर्वाद, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके दोस्तों का प्यार, परिवार वालों का सपोर्ट आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। आपको खाली अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है वृषभ राशि वालों, अगर सचेत रहेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपने ईगो को साइड में रख देना है, गुस्से को साइड में रख देना है, गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको जमीन से जुड़े हुए रहना है। मिथुन राशि वालों, अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आप यह समझ लीजिए कि आप अपना डंका बजा सकते हैं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग विदेश जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, जो लोग दूसरे स्टेट में जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह मिथुन राशि वालों बहुत ही बेहतरीन है। आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोग आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे और इम्पोर्टेंटली, अटके हुए पैसे भी आपको वापस मिल सकते हैं। तो यह ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, जरूर से आप आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, जीवन में जितना ज़्यादा विचार करेंगे उतना आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, उतना आप स्ट्रेस में रहेंगे और इम्पोर्टेंटली आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा विचारधारा नहीं रखनी है, आपको खाली अपने कार्य करते रहना है। आप ये समझ लीजिए कि आपको जो भी मिलेगा कर्क राशि वालों, सरप्राइजिंगली मिलेगा, अचानक मिलेगा, जो शायद आपने नहीं सोचा हो, पर अचानक भी जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। दूसरा, जो लीगल केस चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कानूनी मसले हैं, वो सुलझेंगे, कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है और स्ट्रेस दूर होगा, एंग्जाइटी दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगा और आप अपने जीवन में अपने आप को खुश पाएंगे। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, वो उतार चढ़ाव धीरे धीरे दूर हो रहा है। आपकी लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल होंगी। आप यह समझ लीजिए कि प्रोफेशनल के साथ साथ आपको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देना है।
मनमुटाव दूर हो सकता है, रिलेशनशिप को और बेहतरीन बनाया जा सकता है, रिश्तों में मिठास आ सकती है। कर्क राशि वालों, अगर आप कुछ नया इन्वेंट करने का विचार कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो आप जरूर से वो कर पाएंगे। आप मजबूत थे, मजबूत है और मजबूत आपको रहना है। बुधवार के दिन विष्णु भगवान की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार जाप करें, जरूर से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सिंह राशि, गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको जमीन से जुड़े हुए रहना है, साइलेंटली आपको कार्य करना है। आप यह समझ लीजिए कि शोर है ना, वो आपकी सक्सेस बजाएगी। आप यह समझ लीजिए कि आप जितना साइलेंटली कार्य करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको नज़र लग जाती है, यह सप्ताह भी नज़र लग सकती है, इसलिए आपको साइलेंटली और धीरे धीरे कार्य करना है। पर यह समझ लीजिए कि क्वालिटी वर्क आपको करना है। सिंह राशि वालों, आपने ये कर लिया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा, कोई लोन के लिए अप्लाई किया है, प्राइवेट लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, सभी लोन आपको मिल सकती है। जो जो अटक रही थी वो सभी अड़चनें भी दूर होंगी, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, यह सप्ताह बुध आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, आपको नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, आप नए नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह नया काम, नए प्रोजेक्ट्स, नए टेंडर्स आपको मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों, अगर आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं, सामान लेना बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सप्ताह बेहतरीन है। और इम्पोर्टेंटली, पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भी कन्या राशि वालों आप कर सकते हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, घर पर जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखें। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, अगर अभी नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, चौकन्ना हो जाना है, सावधान हो जाना है, लापरवाही ना बरतें। तुला राशि वालों, लापरवाही बरती तो आप यह समझ लीजिए कि बाजी हाथ से चली जाएगी। दूसरा, आपके संबंधों में सुधार होगा, आपके दोस्तों के साथ जो डिस्प्यूट झगड़े चल रहे थे वो झगड़े अब खत्म होते नजर आ रहे हैं और प्रेम और बढ़ेगा। स्टूडेंट्स करियर के प्रति काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएंगे। इम्पोर्टेंटली, जो आपका विजन है वो आपको क्लियर दिखेगा और आप उस पर बेहतरीन तरीके से कार्य भी करेंगे। तुला राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, इतना ज़्यादा अहंकार रखने की ज़रूरत नहीं है। अहंकार जितना ज़्यादा रखेंगे उतना आप नीचे को गिरते जाएंगे। आपको जमीन से जुड़े रहना है, आपको अपना जिद्दीपन दूर फेंकना है और कार्य के प्रति थोड़ा सा एफर्ट्स और देना है। वृश्चिक राशि वालों, यह समझ लीजिए पैसों की थोड़ी सी तकलीफें आ सकती है, पर आपको लगातार कार्य करते रहना है, कोई के भरोसे नहीं बैठे रहना है और इम्पोर्टेंटली, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उम्मीदें रखेंगे तो आपकी उम्मीदें टूट सकती है और आपको यही लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। सो उम्मीदें रखे बिना आप कार्य करिए, जरूर से सफलता के द्वार पर आप पहुंचेंगे। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि जो लोग गोल्ड का व्यवसाय कर रहे हैं, सिल्वर का व्यवसाय कर रहे हैं, मेटल्स के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपको नया काम मिलेगा, नई डील्स होंगी। और अगर आप एक्सपांशन का विचार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी धनु राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है। जो लोग केमिकल के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपको कुछ नया मिल सकता है, कुछ बड़ा मिल सकता है और इम्पोर्टेंटली, इन्वेस्टर्स आपके दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, यानी कि इन्वेस्टर्स की तलाश भी अब ख़त्म होने वाली है।
मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, जो लोग दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह मजा ही मजा है। यह सप्ताह कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा और इम्पोर्टेंटली आप नए नए लोगों को मिलेंगे। वो नए लोग आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। यात्रा आपके नसीब में, आपकी कुंडली में, आपकी राशि में लिखी है, यानी कि यह सप्ताह अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, प्रोफेशनल यात्रा यानी कि व्यवसाय को रिलेटेड, आप व्यवसाय के रिलेटेड यात्रा कर रहे हैं तो भी आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों, कुछ नया पक रहा है और वो नया आपके जीवन में खुशियों का आगमन कराएगा। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं जो लोग मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपका सप्ताह है। यह सप्ताह परिवर्तन का सप्ताह है, यह सप्ताह ग्रोथ का सप्ताह है, यह सप्ताह एक्सपांशन का सप्ताह है, पर किसी के भरोसे नहीं बैठे रहना है और किसी की सुननी भी नहीं है। आप यह समझ लीजिए कि आपको खुद का दिमाग, खुद का दिल जो कहता है वही कार्य करना है। कुंभ राशि वालों, ये दो चीज़ पे फोकस करें, दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखें और इम्पोर्टेंटली आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, पहले से किसी को भी ना बताएं, ना डिस्क्लोज करें, फिर देखिए कि आप कहाँ तक जाते हैं। और इम्पोर्टेंटली आप पर माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती जी की भी कृपा है, तो आपका डंका तो बजने वाला है, निश्चित ही बजेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। मीन राशि, गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, आपका सपना पूरा हो सकता है। सपना क्या था? खुद का घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, टू व्हीलर खरीदना, ऑफिस खरीदनी, तो वो हर एक सपना या सप्ताह साकार हो सकता है। दूसरा, जो लोग जमीन के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जो लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, यह सप्ताह आपका किया हुआ निवेश अच्छा लाभ देगा, आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंटली आप इतने खुश रहेंगे कि शायद आपको भी ना पता हो कि आप कितने खुश हैं। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, प्रोफेशनल के साथ साथ थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दीजिए। आपको संतान की चिंता थी कि संतान कब होगा, चाइल्ड बर्थ इश्यूज चल रहे थे, संतान प्राप्ति की, तो यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आप कोई डिसीशन लीजिए, अच्छे डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। यह सप्ताह किया हुआ मेहनत, यह सप्ताह किया हुआ कार्य आने के समय में आपको जरूर से मददगार साबित रहेगा। मीन राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन रहेगा। कंक्लूजन पर आएंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ये नए सप्ताह, साल का पहला सप्ताह, और ये नए साल में जितना हो सके गरीबों को मदद करिए, जरूर से आपके जीवन में कुछ अचानक सरप्राइजिंगली कुछ पॉजिटिव होगा। आप सभी दोस्तों को एक बार वापस से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं हम, और नया साल गणेश जी की कृपा से, गणेश जी के आशीर्वाद से आपको तरक्की के मार्ग पर पहुँचाए। उम्मीद रखते हैं आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सप्ताह वापस सुबह इसी समय मिलते हैं, तब तक आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें। श्री गणेशाय नमः।